नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो योजना मैगजीन आपकी है अप्रैल माह की, उसके हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को कर रहे हैं। और जो योजना हमारी अप्रैल माह की है वो दरअसल पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपर जो है इस बार आई हुई है, तो उसी से संबंधित अलग अलग चीजों को हम लोग कर रहे हैं। और आज जो हमारे पास टॉपिक है, दरअसल वो टॉपिक क्या है, टॉपिक है कि क्या है पारंपरिक उपवन। ये टॉपिक दरअसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका रोल जो है आपके प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ में आपके मुख्य परीक्षा के लिए है। तो इसका रोल दरअसल कहां कहां पर है, यानी कि ये टॉपिक आपके पीसीएस परीक्षा में जो है कहां पर आएगा या यूपीएससी परीक्षा में भी कहां पर आएगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो संबंधित टॉपिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो सामान्य अध्ययन का जो पेपर थर्ड है आपका, यानी कि जीएस पेपर थर्ड है, उसमें जो पर्यावरण वाला जो टॉपिक है वहां से इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में निबंध में भी इस टॉपिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में निबंध में आता है, तो इसके जो भी पॉइंट्स आज हम आपको बताएंगे, इन पॉइंट्स को आप अपने उस निबंध वाले प्रश्न में एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग आर्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दरअसल जो पारंपरिक जो उपवन होते हैं वो क्या होते हैं। और उपवन की अगर आप बात हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके माइंड में ये चीज समझ में आ रही हो कि दरअसल उपवन होते क्या है। तो लिखा हुआ है, पॉइंट क्या है कि आमतौर पर उपवन छोटे वन क्षेत्र होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, यानी कि एक स्मॉल एरिया होता है, जिन्हें स्थानीय लोगों द्वारा धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक भावनाओं और वर्जनाओं के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। आसपास जिसको हम लोग, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग जाएंगे तो इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में फुलवारी भी कहते हैं। एक छोटा सा टर्मोलॉजी है, एक फुलवारी, यानी कि उपवन, यानी कि एक छोटा सा एरिया जहां पर हम अपने कुछ जो मान्यताएं होती है हमारी धार्मिक, कुछ परंपराएं होती हैं, उनके आधार पर हम जो उपवन बनाते हैं और उसको संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। हमारी मान्यताएं होती हैं, तो अलग अलग प्रकार की मान्यताएं होती है, उन्हीं मान्यताओं के आधार पर जो है हम उपवनों का संरक्षण करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है पेड़ पौधे वहां पर उपस्थित होते हैं और उसको हम लोग संरक्षित करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है उपवनों को संरक्षित करने का, जिसका बेस क्या है, हमारी धार्मिक और हमारी पारंपरिक परंपराएं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा, उपवनों की अगर प्रकार की बात की जाए कि किस प्रकार के उपवन होते हैं, कितने प्रकार के पारंपरिक उपवन होते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या है, पारंपरिक उपवन है, यानी कि दूसरा पारंपरिक उपवन है, पहला क्या है, मंदिर उपवन, यानी कि किसी खास जगह पर हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर के आसपास कुछ गार्डन टाइप का एरिया होता है, एक वहां पर हम लोग, हमारी कुछ मान्यताएं होती हैं कि जो है यहां पर इसका संरक्षण किया जाएगा। तो मंदिर के आसपास आपने अक्सर देखा होगा कि इन प्रकार के उपवनों को संरक्षित करने का प्रयास वहां पर किया जाता है। साथ ही साथ में पारंपरिक कुछ उपवन होते हैं, कुछ हमारी मान्यताएं जुड़ी होती हैं, जो बहुत पहले से कुछ पेड़ पौधे होते हैं। आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि पुराने पेपल के पेड़, बरगद के पेड़, नीम के पेड़, जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। हमारी पारंपरिक मान्यताएं होती हैं उनसे जुड़ी हुई कई सारी, कई लोग कहते हैं इन पर देवता का निवास होता है, और कई सारी मान्यताएं जो है होती हैं उसके माध्यम से हम लोग जो है संरक्षित करने का प्रयास करते हैं पारंपरिक उपवनों को, यानी कि उपवनों को, राइट। इसके अलावा धार्मिक उपवन भी कुछ कुछ होते हैं, धर्म के बिहाव पर भी हम लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अलग अलग स्थान पर अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती एरिया में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो वहां पर जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कई प्रकार के स्थल हैं, और वहां पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है उपवन को विकसित किया गया है, वहां पर इनका भी संरक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें द्वीपीय वन, यानी कि कई प्रकार के द्वीप जो होते हैं वहां पर भी वनों को संरक्षण दिया जाता है, यानी कि उपवनों को वहां पर भी संरक्षित, यानी कि कंजर्व करने का प्रयास वहां पर भी किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पांचवें नंबर पर, तो कुछ स्मारक उपवन होते हैं, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ कब्रिस्तान हो गए, कुछ शमशान घाट हो गए, वहां पर कुछ प्रसिद्ध लोगों के जो शमशान घाट या कब्रिस्तान वगैरह होते हैं, वहां पर स्मारक स्थल के रूप में उसको जो है प्रतिष्ठापित किया जाता है, और उसके आसपास जो है उपवनों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये हो गए उपवन के प्रकार, चार पांच प्रकार के उपवन हैं। इसके अलावा भी कुछ और प्रकार के उपवन हो सकते हैं, जिसको सामान्य जो जनमानस होता है उनके द्वारा उनको संरक्षित करने का दरअसल प्रयास होता है। एक बात मैं बता दूं कि उपवनों को कंजर्व करने में दरअसल आम जो जनमानस होता है उसका बहुत अहम रोल होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने अपने घर के आसपास कई सारे विवाह वगैरह जब होता है तो वहां पर भी कई सारे प्रकार के पेड़ पौधों को संरक्षण वहां पर दिया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसका उद्देश्य दरअसल क्या था कि उपवनों को हमें संरक्षित करना है, क्योंकि इसके कई सारे फायदे होते हैं,
बायोडायवर्सिटी से रिच रहती है, पर्यावरण संरक्षण होता है और कई अन्य फायदे जो है इसके होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है उपवनों के महत्व के बारे में, जिसके बारे में हम लोग अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे। तो उपवनों के महत्व की बात की जाए, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है इनका, तो इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर वन पे अगर हम लोग बात करते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा होती है इससे, यानी कि वे कारक जो उपवनों को नुकसान पहुंचाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं, उन प्रकार के प्रयासों को रोकने के लिए जो है क्या कहते हैं, संरक्षण किया जाता है। दूसरा, पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से भी इनका बहुत महत्व होता है, यानी कि कई मान्यताएं जुड़ी होती हैं, पारंपरिक मान्यताएं जुड़ी होती हैं उस पर्टिकुलर उपवन से जुड़ी हुई या उस उपवन में उपस्थित कुछ खास प्रकार के पौधों को लेकर के, कि ये हमारी मान्यताएं हैं। अक्सर आपने लोगों ने देखा होगा गांव में कि कहा जाता है कि इस पेड़ पर हमारे पूर्वज रहते हैं, इस पेड़ पर जो है हमारे जो है क्या कहते हैं, हमारे देवता का निवास होता है। इनके पीछे बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन मूल जो कारक दरअसल कहीं ना कहीं इसके जो पीछे जो छिपा हुआ है वो है बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन करना, यानी कि इस प्रकार के उपवनों को संरक्षित करने के प्रयास से जो है आपका पूरा का पूरा एनवायरमेंट जो है कंजर्व होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा जैव विविधता का संरक्षण, मैं बता ही रहा था आपसे कि बायोडायवर्सिटी जो है यहां पर बहुत रिच रहती है। इनफैक्ट अगर आपने अपने घर के बाहर एक कोई घना सा पेड़ अगर आपने लगा दिया तो वहां पर भी आपने देखा होगा सुबह सुबह कई प्रकार के चिड़िया, कई प्रकार के जो है वहां पर चीजें वहां पर आती हैं, यानी कि वहां पर ही बायोडायवर्सिटी रिच होने लगती है। वहां पर तितली आएगी, चिड़िया आएंगी, कई अन्य प्रकार के जानवर जो है उसको अपना आवास जो है स्थल बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी जो है कंजर्व होने का जो है इससे फायदा होता है। अगर आप हरिद्वार में जाएंगे तो हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय दरअसल देहरादून और दिल्ली हाईवे पर उपस्थित है और सन 2010 के आसपास में जो है वहां पर सड़क के दोनों किनारे जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे थे, बहुत अच्छा था, जंगल टाइप का था, उपवन टाइप का था, उसको हम लोग वहां पर हरिद्वार का जो है स्मॉल फॉरेस्ट उसको कहते थे, उपवन कहते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब दिल्ली देहरादून हाईवे जब चौड़ीकरण का कार्य हुआ तो उसको काट दिया गया, वहां पर जो है जो छाया रहती थी वो खत्म हो गई, जो बायोडायवर्सिटी यहां पर जब जाने लगो तो कई प्रकार के जानवर, कई प्रकार के चिड़िया वहां पर मिल जाती थी, वो सब खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं उसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया था विश्वविद्यालय के द्वारा या अन्य जो आसपास के लोग थे, लेकिन चीजें वहां पर गड़बड़ हो गई। खैर, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो सांस्कृतिक संरक्षण भी इससे होता है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति इससे जुड़ी हुई होती है, कई प्रकार की मान्यताएं होती है और उन संस्कृतियों के संरक्षण के लिए जो है उपवनों का बहुत फायदा होता है, यानी कि उपवन जो है हमारी संस्कृति के संरक्षण में बहुत अहम रोल जो है प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं सामुदायिक सशक्तिकरण भी होता है और साथ ही साथ में जो है पर्यावरणीय लाभ भी इससे होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट को अगर कंजर्व करना है तो आपको न सिर्फ उपवनों को बचाना होगा बल्कि नदी हो गया आपका, चाहे जंगल हो गया, चाहे कोई उपवन हो गया या कोई भी अन्य प्रकार की चीजें होती हैं वहां पर, उसको आपको कंजर्व करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और इसमें उपवनों का जो है बहुत अहम रोल है, वो आपके पर्यावरण के संरक्षण में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, यानी कि सहायक होते हैं उसके लिए। ठीक है, ये हो गए उपवनों के महत्व के बारे में। यहां पर प्रश्न आपसे अलग पूछ सकता है कि उपवनों के महत्व क्या है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप जो है क्या कहते हैं फॉरेस्ट वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसके फायदे को आप जो है आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैव विविधता जो है विरासत स्थल कुछ होते हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है यानी कि जो राज्य सरकार होती है, ये उपवनों के संरक्षण के लिए क्या काम करती है कि समय समय पर स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो है आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करती है। यानी कि राज्य सरकार उपवनों के संरक्षण के लिए जो है स्थानीय निकायों से जो है संपर्क करती है, उनसे सलाह लेती है और उसके बाद जो क्या करती है, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में उसको जो है संरक्षित करती है, यानी कि उसको जो है गजट में अपने पास करती है, राजपत्र में अधिसूचित कर देती है। तो ये राज्य सरकार की तरफ से जो है उपवन को कंजर्व करने का एक बहुत ही सफल जो है प्रयास माना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं चुनौतियां क्या कुछ हैं उपवनों के लिए, तो चुनौतियों में कई प्रकार की जो है बातें हैं। हालांकि इसके लिए वाइल्ड लाइफ संरक्षण संशोधन अधिनियम, यानी कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में सामुदायिक रिजर्व के तहत इन उपवनों को कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है। यानी कि ये जो वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 है
इसके पहले क्या पारित हुआ था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित हुआ था, लेकिन इसके बाद क्या पारित हुआ, वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें उपवनों के संरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन बावजूद इसके जो है संरक्षण उपवनों को नहीं दिया गया। तो चुनौतियां दरअसल इसके सामने क्या क्या हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो है पांच प्रकार की चुनौतियां हमने यहां पर नोट डाउन करवाई हैं। पहला है पर्यावास की हानि होती है, बहुत बड़ी चिंता वाली बात है कि दरअसल इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि शहरीकरण बढ़ रहा है, जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इन प्रकार के चीजों के होने से क्या हो रहा है, जो आवास स्थल हैं हमारे जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, वो क्या है, खत्म होते चले जा रहे हैं। तो इससे पर्यावास की जो है बहुत ज्यादा हानि हो रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा कारक है उपवनों के जो है खात्मे के लिए। जलवायु परिवर्तन जब होता है तो मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेड़ पौधे धीरे धीरे करके क्या कहते हैं, सूखने लग जाते हैं। और जलवायु परिवर्तन न सिर्फ उपवनों के लिए हानिकारक है, चुनौती है, बल्कि जितने जीव जंतु हैं, यानी कि होल बायोडायवर्सिटी के लिए, होल इकोसिस्टम के लिए जो है जलवायु परिवर्तन अपने आप में बहुत चिंता वाला जो है चिंता वाली बात है, यानी कि चुनौती जो है इसके सामने जलवायु परिवर्तन की बहुत बड़ी है। इसके अलावा अगर ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात करें, यानी कि भूमंडलीय तापमान की बात करें, यह भी एक बहुत बड़ा जो है चिंता वाली बात है कि जिस तरीके से कार्बन एक्सक्रीशन हो रहा है, उस एवज में जो है ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और जब भूमंडलीय तापमान होता है तो न सिर्फ बायोडायवर्सिटी के खात्मे की बात हो जाती है, यानी कि बायोडायवर्सिटी को बहुत नुकसान होता है, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि कहीं ना कहीं इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ह्यूमन बॉडी पर भी पड़ता है, और त्वचा संबंधी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। हालांकि ये टॉपिक बाद के हैं, लेकिन अभी हम उपवन चूंकि पढ़ रहे हैं तो उपवनों को जो है बहुत प्रकार का इससे नुकसान होता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर कई अन्य और प्रकार की गतिविधियां होती हैं, और उसके तहत क्या होगा, उपवनों को भारी नुकसान जो है होता है। ठीक, इसके अलावा कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती हैं, ये क्या करती हैं, अगर आपके उपवन में आ गई हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए ओडोरेंटा और साथ ही साथ में लैंटाना कैमारा जो है, ये कुछ जो है फॉरेन स्पीसीज हैं, और ये क्या करती हैं, जो आपकी स्थानीय प्रजाति की जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं। पहले कुछ टाइम पहले जो कांग्रेस ग्रॉस थी, हालांकि इसको अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग, और वो उसका जो है प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था कुछ टाइम पहले, तो उसको लेकर के भी, और कई अन्य प्रकार के जो पौधे होते हैं कि अगर वो आपके एग्रीकल्चर लैंड में भी अगर आ जाते हैं तो वहां पर भी आपके कुछ चीजों को जो है वहां पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ विदेशी प्रजातियां हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने क्या कहते हैं एग्जाम में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा संसाधनों का दोहन, ये भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा जो है रीजन है, चुनौती है, यानी कि जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं जो है संसाधनों का हम लोग दोहन कर रहे हैं। हालांकि हम लोग बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की करते हैं, SDG गोल्स की करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है हम लोग अपनी भौतिकतावादी उपयोग के कारण संसाधनों का जो है बहुत ही दोहन कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि इन उपवनों का जो है नुकसान हो रहा है, ये कंजर्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है हम जंगलों को काटते हैं, उपवनों को हटाते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, और अन्य प्रकार की कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिससे नुकसान जो है उठाना पड़ता है। ठीक, ये हो गया दरअसल हमारे सामने चुनौतियां, किसके समक्ष, उपवनों के समक्ष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ विधान किए गए हैं उपवनों के कंजर्वेशन के लिए, कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे रूल और रेगुलेशन हैं जिसके तहत जो है हम उपवनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और यहां से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, तुरंत इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये आपकी मेंस परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इसी से संबंधित दूसरा रूल है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002, इसके बाद ये पारित हुआ, इसके तहत भी उपवनों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ में जैव विविधता अधिनियम 2002, ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है, यानी कि जितने यहां पर आप देख अधिनियम देख रहे हैं ये सभी आपके प्रीलिम्स परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है और पूछ लेता है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था, तो ऑप्शन दे देगा 2002, 2003, 2004, 2005 ऐसे करके आपको तुरंत टिक लगा देना है, ठीक है, 2002 को।
तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम ये हो गया, इसके अलावा जैव विविधता संशोधन अधिनियम जो है 2003 जो है पारित किया गया था, यह भी आपको जो दरअसल क्या करना है ध्यान देना है, ठीक है। ये जैव विविधता अधिनियम 2002 था और फिर 2023 में अभी नया आया हुआ है और यह आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 जो कि अभी हाल ही में पास किया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये कुछ ऐसे विधान हैं जिसके माध्यम से आप उपवनों को संरक्षित कर सकते हैं। इनमें कई सारे रूल और रेगुलेशन दिए गए हैं। इसके अलावा संवैधानिक संरक्षण की बात करें, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिसके माध्यम से हम उपवनों को संरक्षित कर सकते हैं, तो उसमें से सबसे नंबर वन पर क्या है, आर्टिकल 48A, और यह भी जो है दरअसल आपके परीक्षा में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 48 क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अनुच्छेद 51A(g) के तहत भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी हमें कहा गया है कि हमें पर्यावरण का जो है नुकसान नहीं करना है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण की बात करनी, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो यहां से भी हम लोग जो है संवैधानिक संरक्षण के माध्यम से भी इसको संरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो एक है हमारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं NBA, और यहां पर भी आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है यूपीसीएस में, ध्यान रखिएगा, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें स्थापना वर्ष की, तो वर्ष 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जिसको हम NBA कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 2003 में केंद्र सरकार द्वारा भारत के विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए की गई थी, यानी कि जो आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो आया था 2002 में, इसको लागू करने के लिए ही जो है आपका NBA बनाया गया था, ठीक। अगर हम लोग इसके मुख्यालय की बात करते हैं, तो दरअसल इसका मुख्यालय कहां पर था, मुख्यालय है इसका चेन्नई में, और साथ में क्या है, ये एक संवैधानिक निकाय है। तो यहां से भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर पूछ सकता है, ठीक है। प्री में और मेंस में जो है यहां पर आपसे शॉर्ट नोट्स यहां पर इसके बारे में पूछने के लिए आ सकता है, तो ये आप अलग से इसको रेडी कर लीजिएगा। ये किस लिए है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसे उपवनों को संरक्षण प्रदान करता किया जाता है इससे, ठीक है। इसके अलावा राज्य जैव विविधता बोर्ड भी होते हैं, राज्य जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से हम लोग जो है उपवनों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अन्य राष्ट्रीय संस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, तो इसमें एक आ जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका है NGT, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसके बारे में जो है, यानी कि NGT आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपसे शॉर्ट नोट्स जो है यहां पर पूछ लेता है अक्सर, और साथ ही साथ में प्री में जो है NGT के कार्य, ठीक है, और NGT की स्थापना कब हुई थी, यहां से प्रश्न पूछता है, तो NGT को तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको प्रिपेयर कर लेना है आपको। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के अंतर्गत राज्य वन विभाग आता है और पर्यटन विभाग आता है, ये सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से उपवनों को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय संस्थानों के अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अगर बात करें, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पर जो कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण या उपवनों के संरक्षण की बात की जाती है, तो उसमें सबसे नंबर वन पर क्या है, यूनेस्को है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है विरासत स्थलों के रूप में संरक्षण करने का प्रयास करता है। इसके अलावा UNEP है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत भी जो है संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा WWF है, और इसके अलावा IUCN है, जो कि क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और IUCN पर भी आपसे शॉर्ट नोट्स लिखने के आता है। कई चीजें जो है यहां पर महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो यहां पर जो है IUCN के माध्यम से भी जो क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, इसमें भी कैटेगराइजेशन किया था, आप लोग को पता होगा IUCN के बारे में कि कौन सी प्रजातियां विलुप्त हैं, कौन सी डेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से उपवनों का संरक्षण किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आज हमारा आर्टिकल था, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में प्री और मेंस दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आप लोग रेडी कर लीजिएगा, आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा, और अगली क्लास में हम लोग योजना मैगजीन के ही कुछ और
पार्ट को देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा ब्लू का, इकोनॉमी का, और वो अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।